पापा जी फोन मत करो यार, मनु यार अंकल फोन रहे। अरे फोन आती है यार, कमाल है मेरे इसके पास। इसके भाभी तेरे को नहीं, अरे ओ हैं इसको क्यों मार रहा तू बेवकूफ, इसको क्यों मार तूने उसको उसके मारे ले ले। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, क्या हाल चाल है सभी के। तो मैं हूं आपका अपना स्केटर राहुल, और आज अपने भाई मन्नू भाई की शादी हो गई है। मन्नू भाई कैसा लग रहा है फाइनली आपको? सो फाइनली आई एम एक्साइटेड। एक्साइटेड तो मैं इसलिए हूं कि शादी तो हो चुकी है, बट एक डर है कि यार मेरे घर वालों को नहीं पता कि शादी हो चुकी है। तो मैं आज राहुल के घर पर आया हूँ, यहाँ पर रहूँगा 4-5 दिन। तो देखते हैं, अभी इसने बात करी नहीं है, अभी मम्मी पापा से तो बात करेंगे हम उनसे, तो देखते हैं कि आई होप सो कि वो मान जाएंगे, बट थोड़ा डर भी है, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, प्राइस रहेगा। आओ अभी तो फिलहाल मुझे फट रही है भाई, निकलते हैं। अभी तो ठीक है, अभी फिर अगर पापा और ने मना करा तो चले जाना भाई, देख फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो देखते हैं, आ जाओ एक बार। भाभी सीधा लेके जा यार मन्नू। भाभी आप जाओ भाई, पहले मैं नहीं जा पाऊंगा। भाभी चलो, भाभी चलो। और आंटी जी कैसे हो? अंकल नमस्ते। नमस्ते। ये क्या है? शादी होगी जी अपनी। हैं? शादी होगी। लो मिठाई खाओ। बुलाया भी नहीं, शादी होगी। बुलाना क्या आंटी, बस एकदम हो गया। कोई नहीं, बैठो 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 साइड में कर दे। आ जाओ बैठो भाई, भाभी बैठो, बैठ जाओ, ये पीछे कर ले, चेयर ले आ, ले लो चेयर, बाहर से ले। और सुनाओ अंकल? बस ठीक ठाक, बढ़िया। न्यू किस तरह तुमने एकदम सरप्राइज दिया? बस अंकल करनी तो थी, फिर कुछ मैं अंकल लॉकडाउन था, भी था ही नहीं, तो क्या ही बढ़िया, तो करना नहीं थी अभी, ना बुलाना था किसी को। अच्छा, जल्दी जल्दी में फिर कर ली, तो मैंने कहा चलो एक बार लेके जाता हूँ आपके पास। ठीक है, बैठना क्या उधर, बैठना क्या? और सुनाओ ठीक ठाक? कहाँ से? ये यहीं से अंकल। ये एक्चुअली मैं बताता हूँ अंकल क्या है, ये अपना है तो इधर की मोहाली है ना, जहाँ मैं रहता हूँ, पंचकूला, हाँ चंडीगढ़ के मोहाली, मोहाली मोहाली के आसपास आगे है, एक वहाँ पे गांव है, वहाँ की है। अच्छा, तो मेरे ही लाइन से ही है। अच्छा, तो था हमारा कुछ मतलब 1.5 साल से हमारा चल रहा था। ठीक है जी, मैंने बताया भी ना किसी को, मतलब इसको पता था राहुल को। अच्छा, तो शादी की बात थी, इसके घर वाले शादी करने वाले थे। अच्छा, मतलब पूरा ये था कि इसकी शादी करनी है, कहीं और करनी है। अब मेरे घर तो खिलाफ थे इसके, इसने बताया था बात जैसे करी थी, तो फिर यही चाह रहा था हमारे पास कि इसके घर वालों को तो ये नहीं पता कहाँ पे है, तो मेरे को शादी करनी पड़ी है बस जल्दी में, नहीं करते तो फिर इसका कहीं और हो जाता। नहीं तो मतलब भगा के लिए क्या है तू? नहीं भगाया तो क्या अंकल, मतलब शादी कर ली बस। नहीं शादी उनके घर वालों, घर वालों तो साथ ही करी होगी, ये वैसे ही करके ले आया। मैं वही बता रहा हूँ अंकल, वो तो टोटली खिलाफ हैं, वो तो मान ही नहीं रहे। तो अब क्योंकि अगर मैं ना ले गया था, इसने कहीं और कर लेनी थी शादी, उसके घर वालों ने कहीं और कर देनी थी, और फिर ना हमारी शादी होती आंटी, ना कुछ हो पाता। कोर्ट मैरिज करी है, कोर्ट मैरिज करी है। मैं और भाभी गए हुए थे कोर्ट में, भी सुबह सुबह जब मना गया हो रहे इनके वहाँ पे गए हो रहे शादी में। अरे तू बता दे नहीं क्या? फिर इसने मना कह रहा बेबी को नहीं बताना, सरप्राइज देंगे। कोई नहीं आराम से, सरप्राइज देना ना इस, पता ही किसी को नहीं, सिर्फ हम तीनों को पता है जी। इसके घर वालों को नहीं पता? ना अंकल। है तेरे पापा और को भी नहीं पता? इसने बात करी, बताऊंगा अंकल मैं अभी, वही भी घर वाले बोल रहे थे कि भाई ठीक है अभी, तब जब घर इसके घर वाले मान जाएंगे तब कर लेना, अभी एकदम से मुझे करनी पड़ी ना, तो घर वालों को पता। जल्दी हो रही थी अंकल, फिर ये तो कहीं और कर देते इसकी शादी, और अगर मेरे को अब पूछे बगैर कैसे कर देते बेटा, बगैर पूछे कर देते शादी? है ऐसे ही अंकल करके, इसके स्ट्रिक्ट ज्यादा हैं, अब तो कोर्ट से आ रहे हैं सीधा,
और वहाँ पे कौन कौन आया था शादी में? हम तीनों ही थे आंटी, एक वो था बस एडवोकेट। तो तुम्हारे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए, कमाल लग रहे हो कर्ण, बच्चों वाली बातें क्यों करने लग रहे हो? घर तो अंकल बताएंगे फिर, अभी पता है अब एकदम बताते, अभी चारा नहीं था आंटी, क्या करते एकदम, वो चारा नहीं था। चारा जी वहां पकड़ लेते तुमने, फिर क्या करते? चलो अब घर पे आएंगे। चारा हो जाता बेटा, नहीं देखो गलत गलत के पक्ष में नहीं है हम बिल्कुल भी, गलत है तो गलत है, सीधी सी बात। क्या कह रही है? कोई नहीं भाई, ये तो बेटा तुम्हारा, कोई नहीं थोड़ा बुरा लग रहा होगा उसको, डांट रहे हैं बुरे वाली बेटा, हम तेरे को तो ना डांट रहे हैं बेटा, बेटा हम आपको नहीं डांट रहे, हम इनको अपने बच्चों को समझा रहे हैं, ये गलत गलत तरीका है। कोई नहीं अंकल, अब देखो ये मैं आपको बात बताता हूं जी, क्या है सारी देखो, शादी शुद्धी हो आ गई, अपने मुंह देखो बताता हूं ना अब क्या है। अजी पागल है, शादी शुद्धी हो आ गई, बात मुंह दिखाई वाले नहीं है कि मुंह दिखाई दे और है, बात है ये भाग के शादी करी है, उनके घर वाले इतना बड़ा कांड कर रखे है, छोटी मोटी बात लगा रही है तुझने। चलो अंकल बात तो सुनो एक बार, अब क्या है, राहुल से मेरी बात हुई थी, ये कह रहा था कि चार पाँच दिन की बात है, हफ्ते की बात है, ऊपर वाला कमरा खाली है वहाँ रह लियो, ठीक है जी, अपने ऊपर वाले कमरे में रह लेंगे ये, तो वहाँ रह लेंगे, अभी हफ्ते की बात है अंकल, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाएंगे, यहाँ भी आ जाते घर पे हमारे, तो नहीं पता ऊपर ना तो सोफे साफे रखे ना तो कुछ, हमारे तो सेटिंग नहीं बन सकती अपना, तेरे घर है सेटिंग तो क्या है अंकल, अब वो ये कि हफ्ता हमारी उधर रह लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई अपने ऊपर, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, कर लो एडजस्ट दोनों, हाँ हाँ कहाँ पे रह लेना, ले ले शगुन ले ले अपने ऊपर, है शगुन, अरे शगुन तो ले लो शगुन, ये तो बेटा बनता ही है, होता है बेटा ये तो, ये देखो शादी में हम लोग तो देखते ही हैं मुंह दिखाई, पागल है क्या, क्या हो गया, अरे ले ले शगुन ही तो है, ले लो थोड़ी है ले ले, अरे फिर खाना वाना करेंगे फिर तुम्हारा अच्छा सा कर देंगे बेटा एकदम से, तो ये ले लो क्या हो गया, क्या दिक्कत है, 2000 मांग रही है जी, तो कोई बात नहीं, अरे ये ले लो अभी, कोई नहीं ये रख लो, ये क्या तरीका बेटा, कोई बात नहीं, मन्नू के तेरे सास ससुर से दिलवाएंगे 2000 रुपए तेरे को, कोई नहीं रख लो, ये भी अंकल आंटी तो हैं माँ बाप जैसे, रख लो आशीर्वाद ले लो बेटा, ये तुम्हारे सही नहीं कर रखे तुमने, देख मैं बताऊँ, मेरे को तो नहीं समझ में आई तुम्हारी कहानी, इतना बच्चों वाली बातें करने लगे तुम, बालक हो तुम, बड़े हो गए अब तुम, की बात है अंकल जी, देखो समझ गया शादी, आपके घर पे आपके यहाँ कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि मेरे घर पे तो आराम से बैठ जाओ ना, एक मिनट मैं समझाता रहा हूँ, मन्नू भाई देख हमारे घर में नहीं एडजस्टमेंट है, मैं समझा रहा हूं रहन दो, फिर बेटा बगैर पेरेंट्स के कमाल लग रहे हो, बिना पेरेंट्स के पेरेंट्स को पता नहीं, चुप नहीं हो सकते, थोड़ा सा अंकल घबरा रही है वो, रहन दो एक मिनट, वो घबरा रही है अंकल, रुक जाओ घबरा रही है, उनको मैं संभाल रहा हूं, रुक जाओ कोई नहीं कोई नहीं, इनको ना आप दूसरे कमरे में लेके जाता हूं, मैं समझाता हूं तुमको, ठीक है ना, फालतू नहीं बकवास करेंगे, अंकल रुक तो जाओ, अरे क्या दिक्कत है, क्या हो गया, कोई नहीं मत बोलो आप, रहन दो थोड़ा सा अंकल, हफ्ता नहीं कम से कम चार पांच दिन तो कहीं रुक जाएंगे, और क्या अंकल फिर वही बात है उसके बाद, ऐसे नहीं यार तू कह रहा था राहुल यार कमाल है, इसकी बात हुई थी अंकल, मैं बताओ एट ए टाइम कहाँ जाऊंगा अंकल, रिक्वेस्ट है प्लीज, कोई मन्नू बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है तो उन्होंने सतल पर मेरे का कह रहे उसको बताइए मैं सरप्राइज दे चल रहे बेटा ऊपर लेके जाओ, फिर मेरे को नहीं पता था कैसे ऐसे भाई भाग रहे हैं, मैंने कहा नॉर्मली लेके आते होंगे, उसके भाई वहाँ पे गए थे पीछे पड़ गए, तो फिर ये कहता कि थोड़े दिन दो चार दिन हमारे तुम्हारे घर के ऊपर रुकवा लेना, अपने क्योंकि उनके घर वालों को इनका सब तो पता है, वहाँ पे आगे तो फिर इसे मार मुड़ देंगे, तो फिर मैंने बोल दिया कि आप हमारे घर पे रुक जाइयो, इसने बोला था अंकल मैं तो वही, अब तो तूने मार से पूछना नहीं चाहिए था, तो इसमें दिक्कत है यार कुछ, अच्छा अपने घर रुकने के लिए कह रही है क्या, कमाल लग रही है और मैं क्या कहने लग रहा हूं, अभी बता भी तेरा अकल में कोई है, मैं तो सच में एक बार ना तू एक बार इसको बाहर ले, एक मिनट रहने मेरे को बात करने दे इनसे, आंटी आ जाओ, कमाल लग रहा है कहानी यार, थोड़ी सी बात समझा कर लेना, उड़ा आगे तो फिर हम कहां जाएंगे, अंकल एड्रेस ही नहीं पता, फोन हमारे बंद पड़े हैं कैसे पता लगेगा, बताओ तो सही, मैं बताओ आंटी मैं कह कहाँ जाएंगे, यूं नहीं फंसते, अरे तू तुम इतना उनको पता भी नहीं अंकल, ना हमारे एड्रेस पता, ना मेरे घर का पता है, ना इसके बारे में पता कौन है, नहीं इसका घर का एड्रेस नहीं पता, पता नहीं पता लगता नहीं किसे करते, बच्चा गायब हो जाएगा पता नहीं करेगा,
पता करने की कोशिश भी नहीं करेगा वो रख लियो तो पता नहीं लग रहा ये नहीं लग रहा। आप बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। तेरे पेरेंट्स को तो पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उनको भी पता। यार राहुल तो तेरे पेरेंट्स ही कह देंगे वरना जी आपको पता था आपने बताया नहीं मारे को फिर कहां जाओगे हम किसको मुंह दिखाओगे बात तो बोल बच्चों वाली बात लग रही है। यार राहुल यार तूने कहा था ये बेइज्जती वाला काम कर रहा है यार उसको भी बुरा लग रहा है यार वही क्या बेइज्जती वाला काम कर रहे हैं पूछ रहे हैं तुम लोग को काम में ऐसा मत हो जाएंगे ठीक गुस्से में हो रहे हैं काम ऐसे से उल्टे उल्टे काम कर लग रहे क्या मतलब तेरे तेरे इसके साथ जाने का शगुन वापस दे देना तो वापस थोड़ी शगुन ऐसे वापस नहीं लेंगे हम नहीं बेटा नहीं प्लीज ना आंटी छोड़ दे दे ऐसे नहीं बंदू देख गलत है तो गलत है देख सीधी सी बात तेरे घर वालों को बताना चाहिए बातों के बारे में ठीक दे दो वापस नहीं हो सकते बात पैसे की शगन गया तेने कहा था यार कमाल की बात करने मेरी बात एक मिनट पहले मेरी बात सुन ले मैं जो तेरे को समझा रहा हूँ ना फ्रेंडो बेटा बाहर लेके चल मैं करूँ इनसे बात कमाल करे उठते क्या बात करनी मैंने राहुल कोई फर्क तो नहीं है गलत काम ठीक है जी वो बात नहीं है आप इसको लो भाभी बेटा ये तो शगन है हमारी ओर से रख ले क्या दिक्कत है क्या हो गया अब तू दे दे मेरे हाथ से क्या दिक्कत है एक मिनट क्या दिक्कत है कैसे एडजस्ट करेगी तेरे साथ बेटा 2000 मांग रही है जी पहली पिक तो 500 देके बेइज्जती कर दी कह रही मैं तो बड़े घर की हूं जी अपना सीधी बात है अरे दो के हम पांच भी दे देंगे बेटा पहले ये दे देंगे पांच पैसों वाली बात नहीं है बेटा पैसे तो ले और ले लो कमाल कर लग रहे हो यार मन्नू क्या है ये तो फिर और देखिए यार पैसे मांग रहे फिर यार तेरे को तो पता अगले छोटे घर की नहीं चले पकड़ हद कर दे यार तुम भी ना एंड तो आप क्यों बोली जा रहे हो तू बाहर लेके चले एक बार इसको एक एक लेके आ रहे हैं समझ में नहीं आई अंकल मैं बताता हूँ देखो कुछ नहीं अगली को थोड़ा सा हो रहा है फील ठीक है आप देखो गुस्सा हो रहा है आंटी कोई भी हो जाएगा तो बता दे यार पहली बार यार कमाल लग रहे हैं हमारी बेइज्जती कर रहे हो तुम तो पीछे पीछे के हमने तुम सुनाओ भाई तुम अंकल चार पांच दिन की बात होती थी यार राहुल कमाल कर रहे हैं काले के जाऊंगा कर रहे हैं एक सेकंड के लिए भी नखड़ा चाहिए ऐसे से काम में तो और तेरे घर वालों को पता नहीं होना चाहिए भाभी जी फिर अगली भाई फील भी तो करेगी राहुल यार कमाल की बात है जब से डांट डांट पड़ रही है यार अगली फील नहीं करेगी यार फिर अगली 500,000 में आंटी वही बात अगली जैसे की बेस्ती ऊपर से वो बेस्ती आंटी तुम्हारे घर में क्लेश नहीं नहीं तुम्हारे घर आंटी कहां लेके जाऊंगा मेरे घर पे तो मेरे को तो मार देंगे जान से कौन मार देगा इसके घर वाले मार देंगे जी हम कहां जाएंगे इसने बड़ा आप का रुपया है इसको तो फोन कर सकता होगा नहीं कर सकता मेरे घर पे नहीं बताना जी मेरे घर वाले तो ऐसे कर देंगे क्या कर देंगे नहीं नहीं हो रहा प्लीज समझा आंटी फिर आप बोल रहे बला बला थोड़ी आंटी कमाल करे शादी कौन कैसे कर रहे हो आप भाई तेरे कहते हैं यार फोन तो ना करें यार कमाल की बात है यार सुन मन्नू देख गलत मत समझ इस बात को ना 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 तेरे पापा को फोन चले जाएंगे हम चले जाएंगे कहां जाओगे जहां मर्जी जाएंगे फोन नहीं करना कहां बस नहीं हमारे घर पे क्यों आए फिर कमाल की बात कर दी यार देख यार भाभी क्या कर रही है यार पापा जी फोन मत करो यार मन्नू यार अंकल फोन रहे अरे फोन अच्छी है यार कमाल लग रहा है इसके पास इसके भाभी तेरे को नहीं अरे ओ है इसको क्यों मार रहा तू बेवकूफ इसको क्यों मार तूने उसको उसके भाई ले रहे ₹2000 लो जी ओहो मूर्ख सा बटन टूट गया बहुत थ्रू लग रहा है दम तो कैसी थी फिर मेरी बीवी जी 2000 रुपये लेगी तो 2000 रुपये
देख रही 2000 किया बाज रे ता सिक्का बाज रे ता सिक्का आई कैसे ले फिर दे दे फिर मुंह दिखाई तो दे दे मुंह दिखाई गई मुंह दिखाई तो ले ले फिर ओए ओए इधर दे मेरे घर पे बतास तो मेरे घर पे बतास तो ये सब चल रहा है सब पता है मेरे घर पे तो तैयार हुआ है जब भी फोन नहीं करने देगा तू है अरे तो कह के नहीं गया था करने के जा रहा हूं हमारी प्लानिंग थी इसकी मेरी और ट्रेनिंग कर लिया था सुबह तभी कैसा लगा फिर बताइए कोई कोई घर के कौन जानता बंद कर दी भाई तार तो माला हेलो ये था कैमरा एक बार मम्मी हेलो यार अभी तो पानी अभी अरे ओ दांत मम्मी के ना चिपके दो हेलो भाई हेलो बच्चों देखो ये क्या नहीं करना गलत है ये नहीं करना चाहिए कभी भी घर से भाग के नहीं शादी करनी चाहिए लव मैरिज होती है वो तो भी होती है पेरेंट्स को अपना बोल के फिर करो शादी डांस करने बगैर पेरेंट्स के उनको कितना हर्ट होता है मैं खुद हर्ट हो रहा था इससे मेरे हमारे बच्चों की तरह ही और ये ऐसे काम करके आ गया मैं इसकी रेल बना देता मन की थी रेल तो मेरी बड़ी नहीं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं करना जी ये तो सिर्फ एक प्रैंक था अंकल ऐसा भी ऐसा कभी भी ना करती ऐसे मैं ही नहीं ये और बात है कोई भी नहीं करेगा ऐसा पेरेंट्स कितने हर्ट होते हैं इस चीज का अंदाजा आप लोगों को बच्चों के साथ बोल बोल कर दिए पट्टी कट्टी वो सी नहीं आप तो विश्वास हो तो फाइनली यही है कि कोई भी ऐसा ना करे ये सिर्फ एक प्रैंक था ये बहुत गलत चीज है कोई भी ना ऐसा स्टेप उठाए जिंदगी में मेरे पे डाल देना तेरे तो आएगा नहीं तेरे तो कहूं चलो भाई ठीक है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज्यादा जो भी पार्ट बेस्ट लगा कमेंट कर दी जरूर बताना सब्सक्राइब कमेंट शेयर और ये मुंह मीठा कर लो सब लोग और सभी लोग मुंह मीठा कर लो नंदु भाई की शादी हो गई भाभी आ गई ओके लव यू बाय टेक केयर सी या ओके मम्मी ओके बेटा ओके बाय 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 श्री राधे राधे